रुक रुक। लो जी रोक दी गाड़ी। सिटी सुनी नहीं थी क्या? सिटी तो सुनी थी पर मुझे लगा मैं दिल्ली में हूँ। क्या अब क्या है कि ऐसे पुलिस वाले सिटी में जाते हैं दिल्ली में तो हम लोग रुकते नहीं, हम भाग जाते हैं। गाड़ी दिल्ली की है? नहीं नहीं मेरी है। लेकिन नंबर तो दिल्ली का है। हाँ नंबर दिल्ली का है। ट्रांसफर क्यों नहीं कराए? तुम्हें मालूम नहीं मुंबई में बाहर की गाड़ी का नंबर नहीं चलता है? नहीं सर वो क्या है मैं अभी अभी आया हूँ ना दिल्ली से, बस ट्रांसफर करा लूंगा। लो 500 रुपये लो। अच्छा भाई ठीक है ये लो, ये लो 20 रुपये। 20 रुपये नहीं 500 रुपये दो। अरे दिल्ली में तो 5 रुपये में काम चल जाता है, 500 रुपये मांग रहे हैं। देखो रिश्वत दी तो तुम्हें गाड़ी सहित अंदर कर दूंगा। लो 500 रुपया। सॉरी 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 सर सॉरी। 1 2 3 4 5 ये लीजिए सर। जाओ सर। चलो आज ही आरटीओ जाकर ट्रांसफर करा लो। बस अभी जाता हूँ सर। अब तुम चूना बहुत डालने लग गया यार, गला कट जाता है। अरे आप आरटीओ साहब आपके लिए तो सबसे ज्यादा से ज्यादा लगाना पड़ता है। अच्छा चूना भी ज्यादा लगा दोगे, दुकान बंद करवा देंगे तुम्हारी हम। ए, अपना 5 ऑटो का कागज इतना क्लियर कर दो। अरे दादा तुम्हारा 5 ऑटो कितना धुआं छोड़ता है शहर में, जनता चलना बंद करिए, तुम्हारा ऑटो बंद। लेकिन साहब मैं 25 साल से चला के कमा रहा हूँ, अगर ये बंद हो गए तो खाएंगे क्या साहब? पान खाएंगे पान। आप भी मजा करते साहब, पान खा के पेट थोड़ा ही भरता है। हमारा तो भर जाता है पान खा के पेट, और जब पेट भरा होता है तो हम एकदम गलत सही को माफ कर देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अरे राजा चाहते हो कि तुम्हारा 5 ऑटो धुआं छोड़ते हुए शहर में चले? हाँ जी हाँ जी। तो हमारा पेट भर दो। कैसे साहब? सुबह सुबह पान का कोटा लेकर के आ जाया करो, शहर भर में साले को धुआं छोड़ते रहो, हमको भी मना किए भाई साहब। लेकिन अगर हमारा कोटा नहीं आया ना तो हम धुआं छोड़ने लगेंगे। हाँ मुंह और कान से छोड़ कर दिखाए भाई साहब। ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कहाँ है? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस भाई साहब आप किसी पढ़े लिखे आदमी से पता कर लो। बताइए कहाँ कहाँ का पता पूछते हैं। हेलो हेलो हाय व्हाट डू यू वांट? वड़ा पाव भजिया? नो 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 थैंक्स। ये रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यही है? नो 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 दिस इज आरटीओ। पर आरटीओ और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस तो एक ही होता है ना? पता नहीं बट आप अपनी कार यहाँ पे पार्क मत कीजिए, दिस इज ओनली फॉर स्टाफ। उधर स्टैंड है वहां जाके पार्क कीजिए, पे एंड पार्क, प्लीज स्टैंड देयर। ओह ₹5 सर। किस बात के? पार्किंग के। अरे आप तो वहाँ वड़ा पाव बेच रहे थे ना? अरे सर यहाँ आरटीओ के सारे ठेके मैंने ले रखे हैं, कैंटीन का, पार्किंग का। वैसे बाय द वे अगर आपकी गाड़ी का कोई सामान चोरी हो जाए तो वी आर नॉट जिम्मेदार। क्या? नहीं नहीं होगा कुछ नहीं, लेकिन बोल देना फर्ज है। वो देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, डोंट वरी कुछ नहीं होगा। थैंक यू। गाड़ी का नंबर चेंज कराना है? आपको कैसे पता? अरे भाई दिल्ली का नंबर है, मुंबई का कराना होगा। ये तो है। लाइए मैं करा दूंगा 2000। क्या रुपए? किस बात के? दलाली के। अच्छा तो आप दलाली भी करते हैं? भाई साहब आरटीओ पे ऑफिसर नहीं हूँ, बाकी सब कुछ हूँ। बोलिए कराना? नहीं नहीं मैं खुद ही कर लूँगा। अरे भाई साहब मैं करा दूंगा ना, आधे घंटे में कहाँ धक्के खाते रहेंगे आप। देखिए भाई साहब दलाली तो मैं 25 पैसे नहीं दूंगा। पर सर मैं तो शटअप। आप ऑफिस में काम करने आती हैं कि बच्चों को गोद में खिलाने के लिए आती हैं? उतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, उषा भाई को जवाब ही नहीं है। मैं दूध पिला रही थी ना बच्चे को। आप बच्चे को ऑफिस में लाती क्यों है? क्या करूं सर मेरी सास भाग गई है, अभी बच्चे को अकेले छोड़ के तो मैं नहीं आ सकती ना, बताइए ना भाई साहब मैं क्या करूं? नहीं बात तो ठीक है कह रही है, बेचारी बच्चे को अकेले कहाँ छोड़ेंगी, बच्चे को कौन संभालेगा? फाइल कौन लाएगा? यही तो मैं लाऊंगी ना। आप जरा एक मिनट इसे पकड़िए ना, दूध पिलाइए, मैं अभी आती हूं। अच्छा थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस जी मेरा नाम मुसद्दीलाल खुराना है। अच्छा जी मैं दिल्ली से आया हूँ। तो जी मेरे पास एक कार है। मेरे पास दो हैं। जी जी ये बात यह है कि जब मैं कार चलाता हूँ तो चालान हो जाता है, तो मैं चाह रहा था कि लाइसेंस बनवाना है। नहीं नहीं लाइसेंस नहीं बनवाना है, कार ट्रांसफर करवानी है। दिल्ली गाड़ी है तो बम्बई में ट्रांसफर करवानी है। आप क्या करेंगे उसके लिए? मैं क्या करूँगा, आप तो आप करेंगे। हाँ वो तो हम आपका काम करेंगे, आप क्या करेंगे? मैं आपसे काम करवाऊंगा। फोकट में? ये फोकट में नहीं, जो फीस होगी वो दूंगा। फीस? जी हाँ आप कर दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है आप फॉर्म भर लीजिए, पेपर दिखा दीजिए, काम हो जाएगा। जी अच्छा ये फॉर्म कहाँ से मिलेंगे? पटेल साहब के पास। ये पटेल साहब कहाँ मिलेंगे जी? होंगे यहीं कहीं। यहाँ कहाँ? अरे देख लो ना मोटे से हैं, देख लो। अच्छा
अच्छा एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये मुझे कार ट्रांसफर कराने के लिए एक फॉर्म चाहिए, है आपके पास? जी हाँ है। तो एक दे दीजिए। क्यों दे दूँ? मुझे कार ट्रांसफर करानी है ना। अरे तो एक ही है मेरे पास। मुझे भी एक ही चाहिए बस। अरे तुम्हें दे दूंगा तो अपनी कार कैसे ट्रांसफर कराऊंगा? अजीब आदमी है। अजीब तरह का स्टाफ है यहाँ का। ये पियून कहाँ चलेगी बच्चे को देखे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, वो पटेल साहब ने तो फॉर्म देने से इनकार कर दिया। क्या? हाँ, बड़े बदतमीज टाइप के आदमी है, कहने लगे फॉर्म नहीं दूंगा मैं आपको। क्या, मैंने कब ऐसा कहा? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पटेल साहब की बात कर रहा हूँ। कौन पटेल? वो वहाँ कहाँ गए? वो पटेल है? जी हाँ। तो मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता आप कौन है। यही पटेल है। तो वो कौन है? अरे वो कौन है मुझे क्या मालूम। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी पटेल साहब, मुझे एक फॉर्म दे दीजिएगा प्लीज। कल आना। कल? हाँ, फॉर्म लंच टाइम के पहले ही मिलते हैं, अभी 1:30 बज गया, लंच टाइम हो गया। नहीं पर नहीं, कल आना, कल कल। कमाल है, अरे पीएम कहाँ चली गई बच्चे को छोड़ के मेरे पास। यही तो, बिल्लू को साथ ले आई हूँ ना आज। हाँ, इसलिए तो फोन करने के लिए टाइम नहीं मिला ना। जी मैडम, ये आपका बच्चा? अभी कस्टमर को दिया है, दूध पिला रहा है। आपका बच्चा? क्या करूँ, सास भाग गई ना मेरी। देखिए सुनिए, मुझे जाना है, आपका बच्चा। नहीं नहीं सुनो सुनो। क्या है, बाद में आना। ओ तुम जरा 2 मिनट पकड़ लो ना, थोड़ी गप्पे मार लूं। जी जी जी, थैंक यू। हाँ तो क्या कह रही थी मैं। ये क्या कर दिया भाई साहब? क्या नहीं भाई साहब, बस हो गया। वही तो कह रहा हूँ, यहाँ क्यों कर दिया? नहीं बस वो निकल गया। ऐसे कैसे निकल गया, बाहर गवर्नमेंट ने टॉयलेट बनाया है, वहाँ चले जाते। पता नहीं चला ना। जी जी, आपको पता ही नहीं चला? नहीं बस गीला हुआ तो पता चला। बड़ी बुरी बीमारी है भाई साहब, कम से कम कुछ इलाज उलाज करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? अब इसका इलाज क्या, इस उम्र में तो हो ही जाता है। अब ऐसे भी उम्र नहीं है अब आपकी। मेरी उम्र? हाँ 40-45 तो होगी। 46 पूरे किए हैं। लीजिए, 46 की उम्र में कोई ऐसा करता है भला? ये बच्चा आपको 46 का दिखाई देता है? हुजूर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, गीला तो आपने किया ना। मैंने गीला किया? आपका दिमाग गीला है क्या? हाँ बच्चे ने गीला किया। अच्छा? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन बच्चा क्यों ले आए साथ में? मैं नहीं लेके आया, ये यहाँ खड़ी है ना, इनका बच्चा है। उषा दीदी। उषा दीदी मुझे बच्चा पकड़ा के वहाँ पे गप्पे हाँक रही हैं। कोई बात नहीं, कैरी ऑन, बेस्ट ऑफ लक, लेकिन जब हो जाए सब कुछ तो क्लियर कर लीजिएगा भाई साहब। करने का पूरा रखती है। ये लीजिए भाई साहब। क्या भाई साहब, काम हो गया? नहीं कल बुलाया। अरे ये मेरी हेडलाइट कहाँ गई? आपकी हेडलाइट? नहीं मतलब मेरी, मतलब मेरी गाड़ी की हेडलाइट। जब आए तब थी? हाँ थी। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता मतलब? मतलब जला के देखी थी। जला के? अरे दिन में कैसे जलाऊंगा, कल रात को जलाई थी मैंने। ओहो, तो हो सकता है जब आप यहाँ पे आए हो पहले से ही ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ वैसे हो तो सकता है, पर गई कहाँ? एक काम करिए, घर जाके आराम से सोचिए। हाँ ये ठीक है, घर जाके आराम से सोचता हूँ। पांडे जी। जी। ये पटेल साहब कहाँ मिलेंगे? वो आज छुट्टी पर हैं। क्या? जी। कल भी छुट्टी पर थे? कल भी रहेंगे। क्या? जी। तो मैं कब आऊँ? जब पटेल साहब आ जाएं। ये पटेल साहब कब आएंगे? पता नहीं। पांडे जी क्या है कि मेरा रोड टैक्स का चक्कर था। टैक्स भरना नहीं चाहते हो क्या? जी हाँ। गुड, हो जाएगा। लो भाई साहब पर्ची लो। क्या हुआ पटेल साहब, आज भी नहीं आए? हाँ नहीं आए। कल भी नहीं आएंगे? अरे क्या निकला है गाड़ी में से? अरे अरे मेरी बैक लाइट नहीं है। पहले से नहीं थी? नहीं पहले थी। अरे भाई साहब मैंने आपको जाते देखा था, आपके पीछे कोई लाइट नहीं थी। अरे मेरी बैक लाइट नहीं मतलब मेरी गाड़ी की बैक लाइट। अच्छा, आपको पक्का पता है कि जब आप आए थे तब थी? हाँ हाँ, कल रात को मैंने चलाई थी। ओहो, तो हो सकता है यहाँ आते आते चोरी हो गई हो। आते आते नहीं, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ किसी ने चुरा ली हो। ना ना ना, यहाँ चोरी नहीं हो सकती। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? हो सकता है कोई चोर आया हो चुरा के ले गया हो। भाई साहब हमारे रहते हुए यहाँ कोई चोरी नहीं कर सकता। आप पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं? यस। तो भाई गई कहाँ? घर जाके आराम से सोचो। घर जाके सोचूं? हाँ। अच्छा आइडिया। भाई साहब गाड़ी अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप भाई साहब? सुनिए सुनिए, देखिए ये गाड़ी के ट्रांसफर के चक्कर में ही तो मैं रोज रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। वहाँ जाने को तुमको किसने कहा था?
मैंने तो तुम्हें आरटीओ जाने को बोला था ना। लेकिन भाई साहब आरटीओ का फुल फॉर्म ही तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होता है ना। तुम अब हमें सिखाओगे? हमें सिखाओगे तुम? लाओ 500 रुपए लाओ। अरे देखिए भाई साहब, आप रोज मेरा चालान काट देते हैं, मेरी बात तो सुनिए आप पहले। तो तुम डीएलपी लगा के क्यों घूमते हो? गाड़ी ट्रांसफर नहीं हुई ना अभी तक। देखो जब तुम्हारी गाड़ी ट्रांसफर होगी तब तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा मैं। नहीं देखिए साहब, एक बात देखो, फ्रंट लाइट भी नहीं है और बैक लाइट भी नहीं है और पता नहीं क्या क्या नहीं है, तुम्हारा तो डबल चालान होगा। 1000 रुपए लाओ। देखिए भाई साहब क्या कह रहे हैं, लाओ नहीं तो तुम्हें गाड़ी से अंदर कर दूंगा। अच्छा ठीक, अब काटिए, मैं पैसे देता हूँ। ले लीजिए, 1000 का नोट है। थैंक गॉड पटेल साहब आप आ गए। फॉर्म ठीक से भरना, दिल्ली से एनओसी लाए हो? जी एनओसी? हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किससे? अरे भाई दिल्ली के आरटीओ से एनओसी लगता है ना। क्यों भाई? आपके कोई चलान वलान पेंडिंग हुआ तो, कोई केस बेस हुआ तो कार पर, क्या है पहले वहाँ से एनओसी लाना पड़ता है कि मुसद्दीलाल खुराना अपनी कार यहाँ पर मुंबई में ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है। नहीं लेकिन उसके लिए तो दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ, कोई और रास्ता नहीं है? नहीं है। देखिए कुछ कीजिए ना प्लीज। तुम लोग क्या है वहाँ पर फटाफट एक्सीडेंट करते हो और फिर यहाँ आके नंबर चेंज करते हो और फिर मजे करते हो। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर जाओ ना दिल्ली। देखिए सर मैं दिल्ली नहीं जा सकता, मुझे बहुत काम है यहाँ पे। तो फिर बाद में ट्रांसफर करा लेना। बाद में भी नहीं करा सकता, रोज ट्रैफिक पुलिस वाले मेरा चालान करते रहते हैं। हाँ वो तो काटेंगे ही ना। तो फिर बताइए क्या करूँ? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। देखिए सर प्लीज कुछ रास्ता निकालिए ना। देखो हर जगह जाने के दो रास्ते होते हैं, नंबर वन रास्ता मैंने तुमको दिखाया, नंबर टू रास्ता है 2000। 2000 तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है, क्या है तुम दिल्ली जाओगे तो 4-5 हजार के नीचे आ जाओगे ना, या तो फिर नहीं गए तो ट्रैफिक वालों के नीचे आ जाओगे। देखिए सर 500 रुपए में निपटा देते हैं। 2000 में निपटाते हैं। 650 ओके? 2000 ओके। 700? 2000। 800 फाइनल? 2000 फाइनल। अच्छा 900 टॉप कर दीजिए। 2000 टॉप कर देते हैं। 1000 रुपए में फाइनली मान जाइए। 2000 में फाइनली मान जाता हूँ। अरे पटेल साहब 1000 रुपए में मान जाइए ना प्लीज। मुसद्दीलाल प्लीज 2000 में मान जाइए ना। 1000 में फाइनल करते तो करो, नहीं तो ठीक है मैं दिल्ली भेज के किसी को एनओसी वहां से मंगवा लूंगा बस। क्या मुसद्दीलाल क्या आप भी, 1000 क्या, मैं तो 500 में करा दूंगा, मगर क्या है 2000 में कराऊंगा ना तो काम यूं हो जाएगा, क्या है 1000 में किए ना तो दो बातें होंगी, या तो काम आज होगा या तो मैं तुम्हें कल बुलाऊंगा, आज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, और कल बुलाया तो दो बातें होंगी, या तो कल मैं आऊंगा या तो नहीं आऊंगा, आऊंगा ये पक्का नहीं है, और नहीं आया तो दो बातें होंगी, या तो तुम परसों आओगे या तो नहीं आओगे, नहीं आओगे तो कहां जाओगे, और आए तो दो बातें होंगी, या तो मैं तुम्हें मिलूंगा या तो नहीं मिलूंगा, नहीं मिलने के चांसेस ज्यादा है, और मिला तो दो बातें होंगी, या तो मैं तुमसे कहूंगा कि कल आओ या तो परसों आओ, कल बुलाया तो ठीक परसों बुलाया तो, यार क्यों कल परसों के चक्कर में पड़ना चाहते हो, कल कभी आया है किसी का तो परसों क्या आएगा। 2000 रुपए लीजिए। तुम लोग भी ना दो बातें सुने बिना मानते नहीं हो, जाओ हो जाएगी एनओसी। पर वो एनओसी कहां से आएगी? अरे भाई आरटीओ आरटीओ है ना, और वो भी दिल्ली आरटीओ और मुंबई आरटीओ तो भाई भाई है। जाओ पांडे जी के पास जाओ और रोड टैक्स के पेपर्स दिखा दो। जी मैं देखना क्या है, भरना तो पड़ेगा ही। क्या सर? रोड टैक्स। पर सर वो तो वन टाइम पेड है सर। नहीं वो तो दिल्ली में भरा था ना। हाँ तो गाड़ी दिल्ली में चलाता था सर, तो वहीं भरूंगा ना। यहाँ क्या फोकट में चलाओगे? मुंबई की सड़कों ने क्या बिगाड़ा आपका? नहीं सर बिगाड़ा तो कुछ नहीं है सर, वो तो खुद ही बिगड़ी हुई है, मैं कर दूंगा पे सर। हाँ ये इंश्योरेंस भी तो दिल्ली का है। तो मैं इसको भी मुंबई का करा लूंगा सर। गुड गुड। वो कहाँ है? वो क्या सर? ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई? मुंबई में कोई भी चीज मुंबई से बाहर की अगर आती है तो उसकी कीमत का 4% ऑक्ट्राई देना पड़ता है। सर ये ऑक्ट्राई क्यों लेते हैं सर? है कल को बोलोगे कि घूस क्यों लेते हैं? भाई जो रूल है वो रूल है, कानून के हमने बनाए, इसकी क्लियरेंस की रसीद लगाओ। सर देखिए आप खामखा परेशान हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जो लेना वेना है लीजिए, खत्म कीजिए। 2000 हो? 2000। 2000 इससे कम तो आप करेंगे नहीं। पटेल ने किया ना, तो फिर अगर मैं करूंगा तो मुझे ब्लेम करेगा वो कि मैंने रेट गिरा दिए। ठीक बात है सर, ये लीजिए सर 2000। सर अब तो मेरी कार ट्रांसफर हो जाएगी ना सर? बिल्कुल हो जाएगी, एक बार इंस्पेक्टर चेक कर लेगा कि आपकी कार मुंबई में चलने लायक है या नहीं बस। कौन सा इंस्पेक्टर सर? शुक्ला जी। भैया सेट अप सेट अप, आई एम इंस्पेक्टर शुक्ला नॉट हवलदार।
बस आपके पांचों ऑटो सड़क पर चलना बंद। किसी गलती हो गई। अरे गलती कैसे हो गई, पान नहीं खिलाया, गलती हो गई। चलिए हमसे भी एक गलती हो गई सरकार, हमने आपके पांचों ऑटो को सड़क पर चलने से बंद। ऑटो बंद जी। शुक्ला जी आपका भी ऑटो बंद। नहीं सर मेरा ऑटो नहीं है सर। क्या है आपका? कार है जी। आपकी कार बंद? वो तो धुआं नहीं छोड़ती सर। अरे धुआं को मारिए गोली। पान खाते हैं? जी नहीं। खिलाते हैं? जी हाँ। तो खिलाइए ना। तो खाइए ना। लाइए ना। पेपर दिखाइए जरा। ये सर ली। एनओसी क्लियर है सर। हॉक ट्राई क्लियर है सर। इंश्योरेंस क्लियर है सर। रोड टैक्स क्लियर है सर। बाकी पिला टोटल क्लियर है सर। हाँ तो हम चाहते हैं, आप चाहते हैं हम आपकी गाड़ी को अप्रूव कर दें। जी सर। गाड़ी दिखाइए जरा, कब की मॉडल है ये? 1996 की है। चोरी की है? नहीं नहीं अपनी है। अच्छा ये हेडलाइट कहाँ है जी? एक्चुअली बैक लाइट भी नहीं है। एक्चुअली अच्छी बात क्या भाई साहब, मैं दो महीने से यहाँ पे कार ट्रांसफर करवाने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि जब मैं यहाँ आता हूँ आरटीओ के ऑफिस में, तो रास्ते में आते आते कार के पुर्जे गायब होते चले जाते हैं। आते आते? जी हाँ आते आते। कैसे आते हैं आप? जी कार से। कार कैसे चलती है? जी मेरी कार तो सीएनजी के सिलेंडर से चलती है सर। मैंने वहाँ पे खास तौर पे डलवाया था, पोल्यूशन फ्री, 20,000 रुपये खर्च किए हैं मैंने। फर फर चलती है मेरी कार। फर फर? जी हाँ फर फर। ये बताइए बगैर पहिए के आप कार कैसे चलाते? कार में नहीं, पहिए के बगैर नहीं, पहिए पहिए के। अरे नहीं मेरी कार के पहिए कहाँ गए? पहिए कहाँ गए मेरी कार के? अरे वो स्टैंड वाला कहाँ है? स्टैंड वाला भाटिया। हाँ भाटिया 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 भाटिया। क्या हो गया ऐसे, व्हाई आर यू शाउटिंग? अरे मेरे पहिए गायब हो गए। आपके पहिए? मतलब मेरी कार के पहिए। अरे वो कार के पहिए नीचे होते हैं। हाँ हाँ पर है नहीं ना। तो कहाँ चले गए? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि लास्ट टाइम आपने पहिए कब देखे थे? यही को 2-3 दिन पहले जब मैंने हवा भरवाई थी। लो 2-3 दिन पहले देखे थे भाई साहब इन्होंने पहिए, और आज पूछ रहे हैं कि मेरे पहिए कहाँ चले गए। अरे भाई हो सकता है इन 2-3 दिनों में किसी ने पहिए निकाल लिए हो सकता है आप पहिया लाए नहीं हो। पहिया लाए? नहीं नहीं सर मैं कार से तो आता हूँ ना यहाँ पे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बगैर पहिए का कार कैसे चलाते हैं आप? नहीं नहीं कार तो पहिए के साथ ही चलती है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टैंड पर से पहिए चोरी हुए हैं। देखिए भाई साहब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने आपको पहले बता दिया था। उधर बोर्ड लगाओ पहले, पार्किंग एट इज ऑन इट। अब क्या करें, कैसे क्लियर करें इनके कार? मतलब सर आप क्लियर कर दीजिए, मैं पहिए लगवा लूंगा। पक्का लगवा लोगे ना? हाँ हाँ लगवा लूंगा। हाँ भाई साहब जो आदमी 20,000 रुपए का सीएनजी लगवा सकता है वो पहिए तो लगवा ही लेगा। अबे अब मुझे लग रहा है ये सीएनजी के मामले में भी फेंक रहा होगा। नहीं नहीं मैं फेंक नहीं रहा हूँ सर, सीएनजी लगा हुआ है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए। अरे चाबी अभी छोड़िए ना। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सीएनजी कहाँ है? अरे सीएनजी का सिलेंडर कहाँ गया? ये तो खाना पकाने वाला सिलेंडर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीएनजी कहाँ है? ये तो मैं सोच रहा हूँ। याद कीजिए कहीं दिल्ली तो नहीं छोड़ा है? कहीं सोचा हो रास्ते में भूख लगेगी तो खाना भी बना लेंगे। नहीं 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 सीएनजी का सिलेंडर था मेरे पास, मुझे लगता है किसी ने निकाल लिया है। लेकिन है कहाँ? अरे भाई साहब ये एलपीजी है, इससे भी गाड़ी चलती है। ये इलीगल है। सीएनजी कहाँ है? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ है। अच्छा ये बताइए कि लास्ट कब देखा था आपने? लास्ट जब मैंने गैस भरवाई थी तब। कब भरवाई थी गैस? यही कोई हफ्ता भर पहले। लीजिए हफ्ता भर पहले देखा था इन्होंने सीएनजी, आज पूछ रहे हैं कि कहाँ है। अरे हफ्ते में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। नहीं लेकिन वो सीएनजी का सिलेंडर है कहाँ? सुनिए आप जो है सीएनजी खेलते रहिए, मेरा ड्यूटी का हो गया फुल स्टॉप, नेक्स्ट टाइम ठीक है? हाँ जी। क्या हुआ भाई साहब? मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कार का नंबर ट्रांसफर कराने के लिए आया था, और यहाँ पे मेरी कार के पुर्जे ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं, कार का नंबर ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्या करूँ? 2,000। काम पक्का हो जाएगा? पक्का। पर वो सीएनजी का सिलेंडर? अरे एलपीजी से चलाओ यार। इलीगल है ना? बताइए कौन पागल कहता है कि एलपीजी जो है इलीगल है? इडियट है सर, ये तो 2-in-1 है। जब चाहो खाना पकाओ, जब चाहो गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाते चलाते खाना पकाओ, या खाना पकाते पकाते गाड़ी चलाओ। आई एम रियली थैंकफुल टू रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। बताइए खून पसीना बहाए आरटीओ वाले, और नाम हो रहा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस वालों। भाई ये तो गलत बात है। सॉरी।